दोस्तों, भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक ऐसा हेलीकॉप्टर भी है जिसके दम पर हमारी सेना को पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को मारने के लिए पाकिस्तान में घुसने की ज़रूरत भी नहीं है। इस हेलीकॉप्टर की मदद से अपनी सरहद के अंदर सही दुश्मन के लक्ष्य को तबाह किया जा सकता है। लादेन किलर के नाम से जाना जाने वाला यह कौन सा हेलीकॉप्टर है, ये जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, हम जिस हेलीकॉप्टर के बारे में बात कर रहे हैं उसे अपाची अटैक हेलीकॉप्टर 64E के नाम से जाना जाता है। इसे अमेरिकन कंपनी बोइंग ने बनाया है। आपको बता दें कि 22 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए 2015 में भारत और अमेरिकी सरकार के बीच समझौता हुआ था। ये आर्म्स डील $930 मिलियन या फिर 6521 करोड़ भारतीय रुपए में हुई थी। हेलीकॉप्टर का पहला बैच साल 2019 में आ गया था। अपाचे घातक क्षमताओं से एक लैस हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेना की रक्षात्मक क्षमता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही इससे सेना को हवा के साथ साथ जमीन पर भी मौजूद खतरों से लड़ने में मदद मिलती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वही हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में किया था। इतना ही नहीं, इजराइल ने भी गाजा में इस हेलीकॉप्टर को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अपाचे को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह वॉर जोन में लड़ाई के समय कभी भी फेल नहीं होता। यह हेलीकॉप्टर दिन और रात किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, इसे दुश्मन का रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले इस नए हेलीकॉप्टर में अमेरिकी कंपनी बोइंग ने भारतीय ज़रूरतों के अनुसार कई बदलाव भी किए हैं। इसे पहले की तुलना में अपग्रेड कर और भी मजबूत बनाया गया है। 16 फीट ऊंचे और 18 फीट चौड़े इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए 2 पायलटों की ज़रूरत होती है। इस हेलीकॉप्टर में दोनों पायलट के लिए अलग अलग कैबिनेट होते हैं। हमले के समय एक पायलट हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर सकता है और दूसरा लक्ष्य पर निशाना लगाता है। इसकी बॉडी की ऊपरी लेयर को काफ़ी मजबूत बनाया गया है, जो 12.7 mm कैलिबर की गोली से किए गए हमलों को भी आसानी से झेल सकती है। इतना ही नहीं, रोटर ब्लेड तो 23 mm कैलिबर की गोली के वॉर को भी सहन कर सकती है। इस हेलीकॉप्टर को बनाते समय पायलट की सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। दोनों पायलट के कैबिन को बुरहान कवच से कवर किया गया है, जो दोनों पायलट को क्रैश होने की स्थिति में सुरक्षित रखता है। अपाचे हेलीकॉप्टर के बड़े विंग को चलाने के लिए 2 इंजन होते हैं। इसकी रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है। यह 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन ऐसा है कि इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसमें 16 एंटी टैंक मिसाइल लोड करने की कैपेसिटी के साथ साथ नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। यह हेलीकॉप्टर एक बार में लगभग 3 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग रेंज 550 किलोमीटर है। नाइट विजन सिस्टम की मदद से यह रात में भी दुश्मनों की टोह लेने, हवा से ज़मीन पर रॉकेट दागने और मिसाइल आदि ढोने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर को उड़ाना आसान नहीं है। जहां नॉर्मल हेलीकॉप्टर सिर्फ 6 महीने में सीखा जाता है, तो वहीं पायलट को एक अपाची हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए 2 से 2.5 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिसमें काफ़ी खर्च आता है। सेना को एक अपाचे पायलट की ट्रेनिंग के लिए $3 मिलियन या फिर 21 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने भी अपने कुछ पायलट को US एयरफोर्स के पास इस ट्रेनिंग के लिए भेजा हुआ है। दोस्तों, आप इस हेलीकॉप्टर के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। दोस्तों, आप अपने पसंदीदा चैनल को लाइक और शेयर के साथ हौसला बढ़ाते रहें। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।